birthday to you. Happy birthday to you. Happy birthday, Manua. करने के बाद मेरा भाई वहाँ पे रहता है, मैं उसके घर पे जा रही थी और रास्ते में मुझे मतलब कुछ दिख रहा था दूर से. लेट मी शो यू वो क्या है. वेट अ सेकेंड, मतलब लुक एट दिस गाय. इसने ऑफकोर्स ड्रिंक की हुई होगी बट दिस इज रियली हॉरिबल फॉर मी. अगर मेरे पास लाइट्स नहीं होती, कोई नहीं होता, तो मैं अकेले मतलब मेरा ख़त्म हो जाती, मतलब डेड गया, टाटा बाय बाय. लुक एट हिम, ऐसे कैसे, मतलब हाउ रिस्पॉन्सिबल यार, मैं क्या बोलूँ, आई एम स्पीचलेस. सो हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू माई चैनल विश्नि मिस इमोशन. और अभी मैं सो के उठ गई हूँ और हमारी फैमिली जा रही है ब्रेकफास्ट करने के लिए. और आज मम्मा का बर्थडे है, सावन का पहला दिन यानी पहला सोमवार है. और आज के दिन मतलब मम्मा का बर्थडे है. और जैसे कि दिस ईयर इज़ लाइक वेरी लकी टू मी बिकॉज मेरा बर्थडे, मेरे भाई का बर्थडे, हम सब का बर्थडे सोमवार के दिन ही पड़ा. एंड दिस इज़ रियली समथिंग स्पेशियस फॉर मी. और मैं बहुत ज़्यादा बिलीवर हूँ इन सारी चीज़ों को लेकर के. तो हमने ब्रेकफास्ट के लिए डिसाइड किया ये लोकेशन. यहाँ पर एक रेस्टोरेंट है, आप देख सकते हैं सामने मेरे. तो वी डिसाइडेड कि हम यहाँ पर छोले भटूरे खाएंगे, हम नहीं, डैड और बाकी सारे लोग, बिकॉज आई एम नॉट द पर्सन गोना ईट ऑल दिस यम्मी फूड बिकॉज मेरा फास्ट था और मैं पानी भी नहीं पी सकती थी. देखने में बहुत डिलीशियस नहीं था, बट आई जस्ट हैव टू कंट्रोल माई सेल्फ. मेरे डैड को बहुत प्रॉब्लम हो रही थी क्योंकि मैंने कुछ खाया नहीं था. ही इज़ लाइक कि प्लीज़ हैव सम फ्रूट टेस्ट. सो दैट डैड ने बोला कि नेक्स्ट टाइम से तुम मुझे खाने के लिए लेके जाओगी, मैं नहीं जाऊँगा क्योंकि तुमने कुछ भी नहीं खाया था. इट्स लाइक ठीक है डैडी, कल से तो खाऊंगी. उसके बाद डैडी को हम लोगों ने होटल पे ड्रॉप करके, मैं, मम्मा और बाबू, हम आ गए थे दर्शन के लिए सारंगनाथ मंदिर. और हमने दर्शन कर लिए हैं और बस हम बाहर फ़ोटो क्लिक कर रहे थे, फ़ोटोज़ क्लिक कर रहे थे क्योंकि ऊपर बहुत ज़्यादा लंबी लाइन थी. इसलिए इसके बाद हमारा जो प्लान है वो मैं आप लोग को बताऊँगी. तो ब्लॉग में बने रहिए. और जिन्होंने भी अभी तक चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है, प्लीज़ टू सब्सक्राइब माई चैनल एंड ऑल्सो हिट ऑन दैट बेल आइकन. उसके बाद हम डैडी को लेने के लिए होटल पे गए. बिया आपका कैसे हुआ था मम्मी से? मम्मी से? हाँ. मम्मी को ना हम देखे थे, हाँ, ना हमारा परछाई देखा था. मम्मी को क्या देखेंगे? मम्मी इतनी खूबसूरत, डैडी आपको तो एक ही बार में पसंद. बंदर बंदर, बंदर. हम देखे हम जमाने का राजकुमार भी थे हम. क्या ये देखी थी हम? राजकुमार थे. अंधे पैसे, डैडी रुक जाइए, अंधे पैसे नहीं थे. 1BHK था आगे वाला लाइन में. 1BH बोलते है यहाँ खड़ा है ना, वो भी अपना वर्दी में एकदम फिट फाट, बिल्कुल नंबर वन वर्दी में, कमाइन ड्रेस में नहीं, नंबर वन ड्रेस में पूरा. तो कह रही है चावल वही दिला गया कि हाथ कुछ नहीं को. तो इनकर बाबू जी आगे रूम में, इनकर बाबू जी आपके ससुर लगेंगे. किसका रूम है ये? तो गुप्ता जी कहाँ से आ गए डैडी? अरे यार, पापा कह रहे हैं ये पटेल जी का रूम है. पटेल गुप्ते नहीं होते, पटेल जी का, पटेल अंकल का है रूम. के कहते लंकी पटेल अंकल का रूम, पटेल जी का रूम है. अरे तुम पैसा को टाले में दे दो, पटेल जी का रूम है. मतलब आप ये कहना चाहते हैं कि मम्मी सुंदर नहीं आपके जितने? अरे बंदर थे तो चलो, हमारे तो बच्चा लोग चला गया कि लंबा लंबा हो गया. इस कुत्ते पर नेपाली जैसा तुम लोग भी हो जाती. अरे यार डैडी, क्या क्या तो हम भगवान का इतना पुजारी हैं. अच्छा तुम लोग हमारे बगैर इस पर चले गए थे क्या? तुम लोग बोलते कि मेरी मम्मी कम है क्या किसी से? असामीन क्या असामीन बोलता ना, नेपाली बोलता. मेरा डंडा उधर दे दो असम के लिए. नहीं रे
इतने साल में भी आपको पता नहीं चला कि आसाम की नहीं है ये? इतने साल में भी आपको पता नहीं चला कि आसाम की नहीं है? पहले छिंग छांग बोलती थी, हम सिखाए पूरा बता। छिंग छांग, छिंग छांग जो उंगलो बोलती थी हम, क्या इंडो उंगलो, इंडो उंगलो आगे कौन जो इसका इसका मतलब ये मुझे आसाम से नेपाल इसको भाषा नहीं समझ में आता था। वो तो हम कैसे कैसे रूम में बैठा के सिखा देते हिंदी सिखा, फिर बाहर लेके चले गए पूरा वहाँ सीखी। अच्छा एक्स्ट्रा क्लास लेते थे क्या? आंगू पे मैंगू पे कौन सा गाना रेडी? मत उधर गाते हैं किधर अपना परफ्यूम नेपाल में सब क्या किए हैं तो वही ना रहेगा। उसके बाद हम आ गए थे डैडी को लेकर के अस्सी घाट, और जहाँ पर हम लाइक रेगुलर यहाँ पर मैगी खाते हैं, तो आई डिसाइडेड कि मैं यहाँ पे इन्हें भी मैगी खिलाऊँ जाके, क्योंकि डैड इज़ लाइक इतने भी इज़ नॉट दैट फॉन्ड ऑफ कि वो मैगी खाए जगह जगह जा कर के लाइक अस। तो उसके बाद भी अब वेटिंग कि मैगी कब आएगी, और मैं क्योंकि नहीं खा सकती तो मुझे बस इनको ताड़ना था, मैं इसके अलावा कुछ कर नहीं सकती। मून थिंग लाइक कुछ भी ऐसा दिख जाए मुझे, कहीं की भी सीनरी दिख जाए मुझे, या फिर ऐसा मैं देखती रहूँ, बस आई एम दैट मच ऑब्सेस्ड विद दिस। लाइक उसके बाद हम गए थे एक रेस्टोरेंट, मतलब क्या कौन सा रेस्टोरेंट था ये, चाइनीज कोरियन रेस्टोरेंट, हम कोरियन रेस्टोरेंट गए थे, और यहाँ पर एक चैलेंज था कि यहाँ पे सुपर स्पाइसी नूडल्स आपको फिनिश करना है, मैं खा नहीं सकती थी इसलिए बाबू ने ट्राई किया ये, तो यहाँ पे हमारे उसके बाद यहाँ पे इन्होंने टाइमर स्टार्ट करी और टाइमर स्टार्ट हो गया जी। Happy birthday to you, happy birthday to you, happy birthday dear mama, happy birthday to you, Napoleon. Kahiye. चॉकलेट ही खिला दीजिए। एकदम
नाउ आफ्टर सेलिब्रेशन मम्मा को कोई गिफ्ट नहीं दिया गया है तो हमने सोचा कि हम जाते हैं थोड़ी बहुत शॉपिंग कर लेते हैं उनके लिए और गिफ्ट भी हो जाएगा उनका. तो हम निकल गए थे शॉपिंग के लिए और ये नेक्स्ट डे की वीडियो है. तो हम सेम डे नहीं जा पाए, बहुत रात हो गई थी और हम पूरे दिन बिजी थे. तो साथ में ये भी जा रहा है, मुझे इसका ज़्यादा डर लग रहा है क्योंकि मम्मा का तो फिर भी हो जाएगा, इसका नहीं होगा. वैसे बिजनेस भी अच्छा, अब यही करके पैसे कमाऊंगी. दिल्ली में परेशान थी ना ट्रैफिक से बहुत ज़्यादा, इसलिए बनारस शिफ्ट हो गई. अभी सेम चीज़ मुझे बनारस को भी देखने को मिल रही है तो अब मैं सीधा युगांडा निकलूँगी यहाँ से. मतलब क्या बोलूँ यार, छोड़ो अभी. हम बेसिकली मेरे यहाँ आने का रीज़न ये था कि यहाँ पे 299.99 मतलब इन सारे रेट पे काफ़ी अच्छे चीज़ें मिल जाती है रीज़नेबल प्राइस में. लेकिन मैं यहाँ खुद जब आई तो आई फाउंड चीज़ें काफ़ी चीप, बट और भी चीज़ें और भी कलेक्शंस थे. लेकिन पसंद आपको 1999, 2999 ऐसे ही आती है. हमारा अच्छा खासा काटते हुए ये लोग बस निकल चुके हैं, मिलते हैं दूसरे क्लब में. फाइनली हम निकल चुके हैं, अब हमें भूख लगी और डैडी पे हमारा वेट करे घर पे. सो बाय बाय यहाँ तक के लिए, हमारे साथ जुड़े रहने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद आपका. और भी कष्ट कर दीजिएगा सब्सक्राइब करने का भी, लाइक शेयर और कमेंट में बताइएगा कि आपको सबसे अच्छा कौन सा पार्ट लगा. हम वेटिंग फॉर दैट. आप सभी को ये वीडियो बहुत पसंद आई होगी. मैं चलती हूँ क्योंकि मेरे डैड घर पे बुला रहे हैं मुझे, क्योंकि वो कब से अकेले हैं यार. बाय बाय.